बाबू आप आइए हमारे भैया के पास। और अब मैं चाहता हूँ हमारा सचिन जो कौशल मिश्रा जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो चलाए, हम इस ज्वाइनिंग में शामिल होते हैं। भारत माता की एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से अब की बार एक बार दिल से अब की बार मैं जोरदार नारे के साथ लगाइए आप कितना बड़ा कार्य है अगली बार अब की बारी। मैं चाहूंगा अब धन्यवाद कार्यक्रम के लिए हमारे उत्तर पूर्वी के जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान जी। सभी मुख्य अतिथि हमारे राजा इकबाल जी, परेश शर्मा जी, मनोज त्यागी जी और सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय आज लोकसभा चुनाव कार्यालय का यहाँ पे यमुना विहार में सांसद मनोज तिवारी ने उद्घाटन किया है और उसकी खुशी उनको उद्घाटन करते ही मिल गई है क्योंकि पहला नवरात्रा है और माँ ने उनका उनकी झोलियाँ भर दी हैं खुशियों से। हमारे साथ हैं चौधरी हरीश जो कि विष्णुदा रामला कमेटी के चेयरमैन हैं और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं। उनके साथ इतनी बड़ी टीम ने आज बीजेपी ज्वाइन की है और उनसे पूछते हैं आखिर डिसीजन क्यों लिया। चौधरी जी पहले तो स्वागत है आपका, डिसीजन क्यों लिया आपने? देखिए आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं और जो देश में कार्य चल रहे हैं भाजपा के थ्रू उन कामों से प्रभावित होकर आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है और मेरे शीर्ष नेतृत्व जो है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और मेरे को आशीर्वाद दिया कि आप आइए और इस पार्टी में अपना सहयोग दीजिए। मैं अपने सभी सीनियर पदाधिकारियों को आश्वस्त करता हूं कि मैं दिन रात मेहनत करके जो पार्टी से मैं मेहनत बनेगी मैं दिन रात कोशिश करूंगा। कितने लोगों ने ज्वाइन किया आपके साथ? आज तकरीबन 120 हमारे पदाधिकारी थे जिन्होंने मेरे साथ आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और आज बीजेपी ज्वाइन की है और मैं उन सभी भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ बीजेपी घर में आके आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा जैसे आप सौतेला बर्ताव आपके साथ हो रहा है और यहाँ आकर सब एक दूसरे के गले मिलकर और एक दूसरे की ताकत बनने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल जी अंदर गए तो आप लोगों को डर सताने लगा कि हम भी कहीं अंदर ना चले जाएं? नहीं, देखिए ये कानूनी दावपेच है, जहाँ अरविंद केजरीवाल जी जहाँ जेल गए हैं वो उनका मैटर है, हमारा अपना धैर्य सिर्फ मनोज तिवारी जी के लिए प्यार था हमारा जो मनोज तिवारी जी के लिए हम आज इस मंच पर आए हैं। मनोज तिवारी जी को आश्वस्त करते हैं कि हमारा संगठन हमारा समाज आज उनके साथ तन मन धन से खड़ा है और डंके की चोट पर आज उनको कहना देना चाहते हैं कि आप घर जाके सो जाइए, एक तरफा आपकी जीत करके यहाँ से भेजेंगे। क्या कहेंगे आज 120 लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है बीजेपी, तो यानी जो मनोज तिवारी का टारगेट है कि 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे, क्या वो साकार होगा आप लोगों के जुड़ने से? बिल्कुल साकार होगा वो चीज़ है और आगे बढ़ेगी क्योंकि जो मोदी जी ने पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान की इज्जत को बढ़ाने का कार्य करा है, देश को विकसित करने का काम करा है और मध्यम और छोटे वर्गों को उठाने का काम करा है, उसमें मनोज तिवारी जी की जीत 5 लाख से ऊपर होगी ये निश्चित है। और मोदी सरकार 400 पार इस बार आ रही है और बड़े जोर शोरों से उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। क्या 5 लाख से ज़्यादा वोटों से आप लोग जिताएंगे मनोज तिवारी जी को? मैं आप भाइयों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मीडिया के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि हम लोग गुर्जर समाज से हैं और उत्तरी पूर्वी दिल्ली में गुर्जर समाज का रुतबा भी है और सबसे प्यार भी है और सब हमारी बातें भी मानते हैं। हमारा समाज तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, बाकी जो हमारे मित्र हैं और ये कोई रात का सपने नहीं है, आज आकर यहाँ पर ज्वाइनिंग कर ली है बीजेपी। ये मनोज भैया का प्यार है और मनोज भाई से हमारे परस्पर संबंध है, उनका इतना अच्छा नेचर, उनके काम करने की शैली और बीजेपी माननीय नरेंद्र मोदी जी के
संदर्भ में बता देना चाहता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ मीडिया के माध्यम से कि इस बार 400 पार। अगर अनिल चौधरी जी आ जाते हैं तब क्या होगा, कि गुर्जर समाज उनको सपोर्ट करेगा या फिर बीजेपी के साथ ही रहेगा? देखिए, पिछले 10 साल से मैं चाहे भले दूसरी पार्टी में हूँ, लेकिन मनोज तिवारी जी जिस तरीके से हमारी बात सुनते थे और जिस तरीके से हमारी समस्या हल करते थे, उन्होंने कभी पार्टी का भेदभाव नहीं किया, और उन्हीं की इस आदत से प्रभावित होकर हमने आज पार्टी ज्वाइन की है। हमारे इस क्षेत्र में अनिल चौधरी जी हो या अन्य कोई इस पार्टी का कोई भी पदाधिकारी यहाँ चुनाव लड़े, हमने मनोज तिवारी जी को समर्थन दिया है और मनोज तिवारी जी को जिताने की संकल्प लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो सांसद मनोज तिवारी 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतने का जो दावा करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, शायद यही वो टीम है, क्योंकि इसमें जो एडवोकेट है यानी जो वकील लोग हैं उनकी जो विंग है वो भी इसमें ज्वाइन कर रही है। आज ये गुर्जर समाज से हैं, ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनके ये सब भी 120 लोगों ने ज्वाइन किया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने। तो जाहिर सी बात है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में अगर इतना बड़ा समाज, इतने बड़े लोग जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है सांसद मनोज तिवारी का ग्राफ बढ़ेगा और 5 लाख या उससे ज़्यादा का ज़्यादा मतों से, रिकॉर्ड मतों से वो जीत भी सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी को बड़ा बहुत ज़्यादा झटका है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एनभार टीवी, यमुना विहार, दिल्ली।